गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन ऑल ऑफ यू। टुडे विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल साइंस ऑफ क्लास 9th एंड दिस इज द 7th वीडियो ऑन दिस लेसन। ओके बेटा, आज हम बात करने वाले हैं द थर्ड पार्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज नोन एज द जुडिशरी। इससे पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को पढ़ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में बात की थी द अपॉइंटमेंट और प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड पावर्स ऑल्सो। दैट मीन्स हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में कि प्रेसिडेंट की या प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट या इलेक्शन कैसे होती है, उसके फंक्शन क्या है और उसके पावर्स क्या है। बट हम आज बात करेंगे थर्ड सिस्टम, दैट इज द नोन एज द जुडिशियरी, न्यायपालिका। इसकी क्या इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसकी क्या रोल है, इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है और ये क्या वर्क करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चंस है, इसको मैं स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विथ, यानी कि जिस स्टोरी से हम लोग लेसन स्टार्ट किए हैं कि ऑफिस मेमोरेंडम एक पास हुआ था 13th अगस्त 1919 को, जिसमें 27% रिजर्वेशन देने की बात की गई थी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। हम उसको थोड़ा याद करते हैं, हम देखें कि जो दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी वुड हैव बीन। रिमेंबर द स्टोरी कम टू अ सेटिस्फैक्ट्री एंड बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट दैट वाज एक्सेप्ट बाई एवरी वन। इमेजिन वाट वुड हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। जैसे स्टार्टिंग में क्या था कि वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा पास कर दिया गया था उसको कि ये रूल बनेगा या जो है 27% रिजर्वेशन दी जाएगी। उससे पहले ज़्यादा की मांग थी, आपके प्रेजिडेंट ने भी साइन कर दिए थे, लेकिन लोगों की जो ओपिनियन थी रूल को पास होने के बाद काफ़ी नारे लगे उसके अगेंस्ट में। तब ये कोर्ट में गया केस और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया फाइनली कि 27% रिजर्वेशन रहेगा। उस डिसीजन को लोग माने, एक्सेप्ट किए और पूरे कंट्री में जो है शांति इस्टेब्लिश हुई। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि सपोज दैट सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई भी संस्था नहीं होती तो क्या होता, व्हाट हैपन इफ नॉट जस्ट दिस टाइप ऑफ सिस्टम इन आवर कंट्री। नेक्स्ट, इफ देयर वाज नथिंग की सुप्रीम कोर्ट इन आवर कंट्री, सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्री में नहीं होता तो क्या होता, या फिर इवन इफ देयर वाज सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट होता भी, इफ दे हैड नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट होता लेकिन सरकार के अगेंस्ट में वर्क करने का उसको पावर नहीं होता तो क्या होता, यानी कि क्या करता सरकार, जो मन में वो करता, अपनी मनमानी करता और कोई कुछ उसको नहीं बोलता। नेक्स्ट है, इवन इफ हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, पावर भी होता लेकिन लोगों को उसे विश्वास नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रहा है वो वास्तव में फेयर है कि नहीं फेयर है, या फिर किसी के अंडर में काम कर रहा है, किसी रूलिंग पार्टी के दबाव में काम कर रहा है तो क्या होता। आज तो ऐसा है कि कोर्ट जो भी देते डिसीजन उसको सबको मानना है, हम हो या मोदी जी हो, दैट मीन्स नॉर्मल से नॉर्मल सिटीजन से लेकर के पावरफुल पर्सन, यहाँ तक रूलिंग पार्टी को भी उसको फैसले को मानना। बिहार के सीएम यानी क्या सीएम ये लालू प्रसाद यादव अभी जेल में चल रहे हैं, सोचिए, यानी कि उनसे बड़ा है ना। तो ये जो कोर्ट हैं, जो आपका जुडिशरी है, वो किसी के अंडर में वर्क नहीं करती है, किसी के फेवर में वर्क नहीं करती है, ये क्या है, एक सेल्फ इंडिपेंडेंस है, इसकी अपनी खुद की पावर है, खुद का अपना अधिकार है, जिसका उपयोग वो किसी पर भी कर सकती है और इक्वली करती है। इवन इफ गिव द फेयर जजमेंट, इफ दोज हु अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट
ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, लेकिन क्या होता, जजमेंट मिलता लेकिन जो अपील किया है वो इसको एक्सेप्ट ना करे तो क्या होता। तो हमारे पास न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है कि आपको मानना ही मानना है, लास्ट डिसीजन किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का, उसको आपको सबको एक्सेप्ट करना होगा। तो ये है उसका मेरिट या फिर उसका जो है क्या बोलते हैं उसको यूज। लेकिन हम यही नहीं है, हम आगे चलते हैं इस पॉइंट में, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसकी पावर कितनी है, ये क्या कर सकता है और इसमें कितने पार्ट्स हैं, ये कितने लेवल पे वर्क करती है। ओके चलते देखिए, दिस इज वाई द इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड इसेंशियल ऑफ द डेमोक्रेसी। तब यहाँ समझ आता है कि जुडिशरी जो है वो क्यों पावरफुल और इंडिपेंडेंस है। अगर किसी के अंडर में वो काम करेगा, मान लो कि अगर पीएम के अंडर में काम करे जुडिशरी न्यायपालिका जो है, अगर पीएम ही गलती करें उन्हें कौन पनिश करेगा, कोई नहीं, यानी कि अपने ममाना से काम करेंगे। इसलिए सबसे पीएम सीएम प्रेसिडेंट सबसे हट करके इसका अलग डिपार्टमेंट है जुडिशरी, और इसकी अपनी पावर और पोजीशन है जिसका इंडिपेंडेंटली यूज करता है। ओके ऑल द कोर्ट एट डिफरेंट लेवल, देखिएगा यहां से, ऑल द कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर इज कॉल्ड जुडिशरी। एक यहाँ डिफरेंशन मिलता है, आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज जुडिशरी, व्हाट डू नो अबाउट जुडिशरी। तो ऑल द लेवल ऑफ कोर्ट इन आवर कंट्री कम्स टुगेदर इज नोन एज द जुडिशरी। हमारे देश में जितनी भी न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, एक साथ सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यायपालिका, जुडिशरी बोलते हैं। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द सेंटर या इंटायर नेशन, पूरे कंट्री का एक सुप्रीम कोर्ट है जो सभी को ये होता है। हाई कोर्ट इन द स्टेट, प्रत्येक राज्यों में एक हाई कोर्ट होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला में होता है, एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल जो कि विलेज पंचायत में होती है ग्राम सभा के रूप में। यानी कि देर आर फोर लेवल ऑफ द कोर्ट इन आवर कंट्री, सेंटर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल पे स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड लोकल ग्राम पंचायत लेवल पे लोकल सभा या ग्राम सभा कह सकते हैं। ओके इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, पूरे कंट्री की न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करता है। इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ कंट्री, और जो कोर्ट है फिर पिटेंगे। तो ये जुडिशरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल नहीं क्या है, इंडिपेंडेंस है, इस पर किसी का कंट्रोल या ऑब्जेक्शन नहीं होता है। तो इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री, इट कैन टेक अप द एनी डिस्प्यूट। यानी कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट्स है वो किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट यानी कि मतभेद, झगड़ा, फसाद को सॉल्व करने का काम करती है। जैसे बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, दो लोगों के बीच में, देश के किसी भी कोने में रहते हैं अगर सिटीजन्स हैं, दो लोगों का झगड़ा हो जाए तो कोर्ट ही क्या करती है, उसका सोल्यूशन करती है, चाहे दो लोगों के बीच में हो या बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, सरकार और नागरिक के बीच में हो तो भी क्या करती है, कोर्ट ही द्वारा करती है, या सरकार के ही दो अलग अलग पार्ट्स में हो जाए तो भी कोर्ट करती है, या कंट्री के दो अलग अलग स्टेट में हो जाए तो भी गवर्नमेंट ही, सॉरी आपको जुडिशरी ही क्या करती है, उसको सॉल्व करने का वर्क करती है। इट इज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट है वो सबसे क्या है, हाईएस्ट कोर्ट है, उससे बड़ा कोर्ट हमारे कंट्री में नहीं है, है ना। आप हम लोग वहां मेरे को भी अपील कर सकता है, चाहे सिविल हो या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी हो। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अगर कोई केस करता है, कोई सिविल कोर्ट में केस करता है या फिर कोई लोकल लेवल कोर्ट में केस करता है, अगर उसके डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हैं, जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संतुष्ट नहीं है हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जब वहां से तो फांसी मिलेगा। अब वहां तो आपको होना ही होना है संतुष्ट,
उससे बड़ा आपको हमारे कंट्री में न्याय व्यवस्था नहीं, चाहे जो भी डिसीजन दे वो आपको सबको मानना होता है। ओके, हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। यानी कि ये क्या है, ये किसी के दबाव में वर्क नहीं करती है, किसी के अंडर में वर्क नहीं करती है। द जजेज डू नॉट एक्ट द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ पार्टी इन पावर। जो जज होते हैं वो किसी के फेवर में वर्क नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी की सरकार हम इसके फेवर में काम करेंगे, इसके दबाव में काम करेंगे, इनके प्रेशर में काम करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो इनको भी क्या कर सकते हैं, जेल के पीछे डाल सकते हैं। ओके, दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी हैव कोर्ट दैट आर इंडिपेंडेंट टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इसलिए जितने भी कंट्री में डेमोक्रेसी सिस्टम है वो सब क्या है, सबसे इंडिपेंडेंस है। जुडिशरी और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंस है, वो अपना अलग वर्क करती हैं। इंडिया हैज अचीव दिस, यानी कि हमारे कंट्री में भी यही व्यवस्था है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। याद रखना इस लाइन को, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट, हाँ ये लाइन मत बोलना भूलना, कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, वो रह सकते हैं, उनको अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। इट प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सुपीरियर, सॉरी सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट अ न्यू जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। एक बार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, बाकी और जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस के एडवाइस से अदर जजों की अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। यानी कि मैंने बता दिया पहले भी, जितने हमारे कंट्री में मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरवेंस ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। द सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। ओके, वंस अ पर्सन अपॉइंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजिशन। यानी कि एक बार अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, हम जज बन गए और हम चल दिए राष्ट्रपति पर ही, अगेंस्ट में सुना रहे फैसला कोई केस हुआ तो राष्ट्रपति कहेंगे देखो मैं तुमको हटा दूंगा, होश में आके बात करो, फैसला दो, ये औकात नहीं है किसी की। एक बार अगर किसी की अपॉइंटमेंट हो गई उसे हटाना नामुमकिन है, प्रक्रिया है हटाने की, लेकिन अभी तक हमारे कंट्री में ऐसा हुआ नहीं है। उसे क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, महाभियोग। उसमें क्या होता है, अपर हाउस लोअर हाउस तीनों मेंबर, दोनों हाउस के मेंबर दो तिहाई मिलते हैं और कहते हैं कि नहीं हटा दिया जाए, तब वो हट सकते हैं। उसे बोलते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग लगाना, राष्ट्रपति को भी या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भी। हाँ, इट इज डिफिकल्ट एज रिमूव ऑफ द प्रेसिडेंट। ये उतना डिफिकल्ट है जैसे प्रेसिडेंट को हटाना, प्रेसिडेंट और दोनों को आप एक बार अपॉइंट करने के बाद रिमूव नहीं कर सकते इजिली। अ जज कैन रिमूव ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने कहा कि दोनों हाउस के मेंबर 2/3 मिलेंगे कि इनको हटा दिया जाए तो हटा सकते हो, इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, आता है कि व्हाट ऑन अबाउट इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच 2/3 मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कम्स टुगेदर एंड रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट
or president. This process is known as the impeachment. Clear? Yes, sir. इसको नोट करना और नोट्स में नोट कर लेना, ये आएगा पक्का. ओके, इट हैज नेवर हैपेंड इन आवर हिस्ट्री ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. और ऐसा आज तक 70 ईयर्स क्रॉस कर गया हमारा देश इंडिपेंडेंस हुए, अभी ऐसा कभी हुआ नहीं. द जुडिशरी इन इंडिया वन ऑल्सो वंस आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ द वर्ल्ड. जो हमारी भारत की जो न्यायपालिका है वो पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव अ पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि संविधान को छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, धाराओं में बदलाव कर सकते हैं. 370 हटा दिया गया, कौन हटाए? सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं? तो ऐसा एक्ट है, कर सकते हैं. दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल एट द स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच अ लॉ और एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई नियम कानून बनता है, कोई चीज बनती है, अगर उसे लगता है कि ये नियम या ये कानून जो है हमारे संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकती है, उसको रोक सकती है लागू होने से. सोचो कितना बड़ी पावरफुल है. ओके, दस दे कैन डिटरमाइन, लंबा हो जाएगा, डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड द लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन जुडिशरी. वेन इट इज चैलेंज फॉर देम दिस इज नोन फॉर जुडिशियल रिव्यू. यानी कि जब कभी होता है कि कोई फैसला आता है, लोग उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो द पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन से, उसकी देखभाल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट. वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है. जुडिशरी क्या होता है? इंडिपेंडेंस है. वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. हम लोग आगे देखेंगे इसके और सारे फंक्शन क्या है, और ये आपका लास्ट वीडियो है इस लेसन का. मैं कल आपका क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा. तब तक के लिए